16 ডিসেম্বরের মধ্যে দেশে আসবে করোনা ভ্যাকসিন। নতুন বছরেই মিটবে করোনা আতঙ্ক। এপ্রিলের মধ্যে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরবে পৃথিবী। ভবিষ্যৎবাণী জৈন সাধক মুনি মণি কুমারের। मैं पहले दिन से ही मान रहा हूँ, ये न तो भारत में उद्गम हुआ न भारत में अंत होगा, ये तो भारत में आया है तो उद्गम इसका निकाल नहीं सकते, इसका जन्म हम निकाल नहीं सकते। जो भी ज्योतिष है वो जन्म निकालती है, तो जन्म किसी इसका निकाल नहीं सकते। और अब रहा पृथ्वी का जन्म, तो पृथ्वी कम से कम 7,000 करोड़ मात्र वर्ष पहले मानते हैं, तो वो जन्म भी हम निकाल नहीं सकते। तो अब जो 12 राशियाँ 9 ग्रह जो आकाश में चलते हैं, जो खराब है, जो सबसे ज़्यादा खराब था उसमें मकर लग्न थी, और मकर लग्न के ऊपर शनि था, शनि हवा है। हर परिवर्तन को ज्योतिषियों ने कहा कि बस इसके बाद अच्छा होने वाला है, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। मैंने ये बात को शुरू से नहीं मान के चला, मैं ये मान के चला कि ये एक भयानक बुरे काल में आया है, तो एकदम शुद्ध काल कब आता है, तो एकदम शुद्ध काल ये गजकेसरी काल और शनि लगन में महाबली होके आया है, मकर लगन में। तो आया वो आया है 15 और 16 तारीख को, और मैं मानता हूँ कि 15-16 दिसंबर को ये समाप्त होगा, और 14 और 21 सितंबर से ही मैं मानता था कि कोरोना में मौतें और संक्रमण कम होने लग जाएगा। ये बाकायदा अखबार में छपा है, तो ये कोई, मैं आज बोल रहा हूँ और मैंने जीवन में एक ही भविष्यवाणी की है, दूसरी कोई कभी भविष्यवाणी नहीं की। मैं व्यक्ति की भविष्यवाणियाँ करता हूँ, व्यक्ति के बारे में अच्छा बुरा जो भी होता है उसको बता के मार्गदर्शन करता हूँ कि उसका भविष्य अच्छा बने। इसके लिए मैं ज्योतिषी हूँ, ज्योतिष देखता हूँ और जैन साधु हूँ। तो पर मैं आम इस तरह की आम ज्योतिषी गलत क्यों हुई, अब एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है। ये प्रश्न ये हुए कि आम ज्योतिष का जो सारा काम है वो सारा एक भय पैदा करने पर चला है, और अपने आप को श्रेय दिलाने की तरफ चला है। ऐसे तो ब्रिटेन की आ गई, वो अमेरिका की आ गई, रशिया की आ गई, चाइना की भी, चाइना में जो सैनिकों को लागू हो गई, तो वैक्सीन इन दिनों में चालू हो गई। वो भारत में मैं मानता हूँ कि 16 तारीख से पहले पहले इसको मान्यता मिल जाएगी, क्योंकि भारत ही हमारा आधार होता है, बहुत बड़ा देश है, तो मिल जाएगी। और ये कोरोना की जैसे दवा निकलेगी आतंक खत्म हो जाएगा, और ये टोटल विश्व में जो हल्का फुल्का भी गांव गुदार तक भी है वो अप्रैल के फर्स्ट वीक में बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बंगला में एक कहावत है, ठेकले बुद्धि आसिन, तो ये विश्व ने ठोकर खाई है। तो मैं समझता हूँ कि विश्व आज एक विकसित विश्व है, और ये ठोकर खाने के बाद विश्व इतना ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ेगा कि दूर रहकर डिस्टेंस से काम करना विश्व ने इस दरमियान ऐसा सीखा है कि इसका फ़ायदा आने वाला है, इतना ज़बरदस्त मिलने वाला है कि आज जो विश्व तरक्की करने वाला है, हो सकता है 4-6 महीना सबको काम मिलने, काम नए लगने, उद्योग लगने, ये सब में लगेगा, मगर आने वाला विश्व आज से 4 गुना अच्छा होगा।